बात कर लेते हैं मेटल्स की, और मेटल मार्केट को अगर देखें नवनीत दमानी, तो आज के लिए आपको किस मेटल में ज्यादा मौका दिख रहा है ट्रेडिंग का? जी अगर हम आज पर्टिकुलरली आज की बात करें तो मेरे को कॉपर और निकल में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। कॉपर में एक अच्छी स्ट्रेंथ नजर आ रही है, 320 का अच्छा सपोर्ट लेके अच्छा रैली करता नजर आ रहा है। लास्ट वीक में अच्छी गिरावट दिखी थी, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक है इन प्लेस, तो ये कंटिन्यू रहना चाहिए अगले एक दो दिनों के लिए अनटिल द फेड मीटिंग अनफोल्ड्स। तो मुझे लगता है कि कॉपर को 321.50 के आसपास बाय किया जा सकता है, अपसाइड टारगेट 325.50 हो सकता है। नेक्स्ट बेटर रहेगा निकल, जिसमें माइनिंग कंसर्न चल रहे हैं और फिलीपींस की माइनिंग की जो रिजल्ट की रिपोर्ट आने वाली है वो 22 तारीख को आने वाली है, उससे पहले इसमें एक स्ट्रेंथ नजर आ रही है और तेजी बरकरार रह सकती है। 675 के आसपास बाय किया जा सकता है, अपसाइड टारगेट 700 हो सकता है। ओके, आपकी टॉपिक क्या है रवि मेटल में? देखिए मेटल में अगर देखें तो कॉपर तो है ही है, लेकिन साथ में अब चूंकि इस समय देखें तो एक एल्युमिनियम में अच्छा मोमेंटम बना है, 105 रुपए के पास बाय करना चाहिए। अप साइड में देखें तो 106.50 रुपये तक का लेवल देखने को मिल सकता है। साथ ही मैं हमेशा एक पेयर आप लोगों को बताता हूं, तो अगर आप पेयर में ट्रेड करते हैं सेफ ट्रेड जो होता है उसमें देखें तो यहां पर लेड को शॉर्ट करके आप एल्युमिनियम उसके अगेंस्ट में अगर बाय करते हैं तो वो भी एक सेफ ट्रेड है, उसमें भी एक अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। करेंसी मार्केट पर नवनीत आपका व्यू क्या होगा? फेड की मीटिंग भी है, डॉलर पर भी इसका इंपैक्ट होगा, ऐसे में रुपए की चाल आप क्या देख पा रहे हैं? जी हमने देखा है इक्विटी मार्केट्स कुछ दिनों से थोड़े प्रेशर में है, लास्ट 2-3 सेशन से, और उसके चलते एक जो स्पेकुलेटिव न्यूज आई थी कि गवर्नमेंट रुपी को आरबीआई रुपी को डेप्रिशिएट करना चाहेगी, उसके बाद एक डेप्रिशिएटिंग मोड में सेट हो गया है। रुपी 66.90 से बढ़कर 67.10 तक आ चुका है। मुझे लगता है कि ये न्यूज डिनाई होने के बावजूद भी स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है रुपी में, और जो फेड की बैठक है उसका नतीजा भी कुछ फेवरेबल नहीं रहेगा, तो ये डेप्रिशिएशन कंटिन्यू रहना चाहिए। 67.05 के आसपास बाय किया जा सकता है, 67.30-67.40 इवेंचुअली आपका टारगेट हो सकता है। ओके, अब बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की, और एग्री में अगर ग्वार की बात करें तो ग्वार में आज तेजी है और ग्वार सीड का भाव करीब 1.5% ऊपर है, 3800 के आसपास यहाँ पर ट्रेड हो रहा है 58 रुपए की मजबूती के साथ, और ग्वारगम के दाम भी बढ़े हैं। खबर ये है कि राजस्थान में कम बारिश से ग्वार की क्रॉप को थोड़ा बहुत नुकसान होने की आशंका, ऐसी खबरें आ रही हैं, उसका इम्पैक्ट यहाँ पर मार्केट पर दिख रहा है, फसल को बारिश की ज़रूरत है। ऐसे में रवि, ये तेजी मंदी का खेल ग्वार में कब तक चलता रहेगा? क्योंकि जब भी बारिश होती है दाम गिर जाते हैं, बारिश की खबर अगर ऐसी आती है कि बारिश नहीं हो रही है तो दाम बढ़ जाते हैं, तो ये कब तक चलेगा ऐसा? देखिए इस समय मृत्युंजय जी करीब इस महीने में सिर्फ देखें तो 14% ग्वार सीड के भाव उछल चुके हैं, और यहाँ पर ये ज़रूर है कि ग्वार सीड का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता है, ओपेक कंट्रीज, यूएस, जहाँ पे भी ऑयल माइनिंग कंपनीज हैं, और इस समय क्रूड ऑयल के प्राइजेज स्टेबल हैं तो एक अच्छी डिमांड इसीलिए देखने को मिल रही है, और क्रॉप में स्पेकुलेशन इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि अगर बारिश कंटिन्यू चलती रहती तो प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा होने की उम्मीद है, लेकिन इस बार प्रोडक्शन लिमिटेड है, तो मैं समझता हूँ इसीलिए यहां पर प्राइसेस में उतार और चढ़ाव दोनों देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो मुझे लगता है टेक्निकली भी यहां पर एक बार 4000 तक के लेवल आपको आने वाले समय में बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं ग्वार सीड के, तो एक बार यहां पर बाय करके चला जा सकता है। 50 रुपए का स्टॉप लॉस, स्टिक स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, अपर साइड में 4000 तक के लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की, सोयाबीन, सोया तेल, मस्टर्ड, इन तीनों कमोडिटीज़ पर आपका व्यू रवि आज के लिए क्या होगा? क्योंकि पिछले 2 दिन से लगातार सोयाबीन में तेजी है, क्या करना चाहिए? देखिए इस समय मृत्युंजय जी हमारे यहाँ पे खास तौर से फेस्टिवल सीजन्स और मैरिज सीजन स्टार्ट हो गए हैं, तो इनकी डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है, इसीलिए आपको रिफाइंड सोया ऑयल, आरएम सीड, इन सब में तेज़ी देखने को मिल रही है। मैं समझता हूँ यहाँ पर तेज़ी का फ़ायदा उठाएं, उसके साथ चलें, ट्रेंड के साथ चलें, एक बार बाय करके चलें। खासतौर से रिफाइंड सोया ऑयल की बात करें तो मुझे लगता है वापस से 680 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, आरएम सीड की बात करें तो 4850 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, सोयाबीन की बात करें तो 3370 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो इन सारी कमोडिटीज पे आप एक बार बाय की पोजीशन बनाएं, स्टॉप लॉस आप आधे से 1% का लेके चलें, एक अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। चलिए तो यहां पर आप बाय कर सकते हैं आज सोयाबीन में 3310 के स्तर पर, 3370 का टारगेट यहां पर दिया गया है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का, और नवनीत आपकी पहली कॉल क्या होगी? जी मैं कॉपर में बाय की रिकमेंडेशन दूंगा, 321.50 के आसपास बाय किया जा सकता है, अपसाइड पोटेंशियल टारगेट 325.50 हो सकता है और स्टॉप लॉस 318.50। रवि आपकी पहली कॉल। मैं यहाँ पर गोल्ड में, चूंकि एक अच्छा मोमेंटम शाम के सेशन में देखने को मिल सकता है, एक बार बाय करके चलना चाहिए। आपकी आखिरी कॉल रवि। सिल्वर में भी, चूंकि गोल्ड में तेजी होगी तो सिल्वर में भी अच्छा मोमेंटम होगा, आप सिल्वर को भी यहाँ पर एक बार बाय करके चले, अपसाइड में कम से कम 400-500 रुपए तक की रैली देखने को मिल सकती है।